बिना ड्राइवर के सड़कों पर सरपट दौड़ेगी गाड़ी, खबर सुनकर सन्नाटे में आ रहे होंगे लोग। हमारे साथ समझिए कैसे हुआ ये करिश्मा, जिसने विज्ञान को साबित कर दिया बड़ा चमत्कार, और समझिए कि सड़कों पर कैसे दौड़ रही है बिना ड्राइवर वाली कार। सोचिए अगर सड़क पर बोलेरो गाड़ी सरपट दौड़ रही हो और आप अंदर झांक कर देखें तो आपको ड्राइवर सीट बिल्कुल खाली नजर आएगी, यानी गाड़ी तो चल रही है लेकिन गाड़ी को चलाने वाला कोई भी शख्स गाड़ी के अंदर बैठा नहीं है, तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। और शायद आप इस बिना ड्राइवर की चलती बोलेरो का वीडियो एडिटेड बता दें, या फिर इसे आप टार्जन वाली कार बोलेंगे जो फिल्म में आत्मा के द्वारा चलाई जाती थी। लेकिन आप इस वीडियो को हकीकत में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप पहले वीडियो देखिए, इसके बाद हम आपको आगे की पूरी खबर बताएंगे। दरअसल आपने अभी जो वीडियो देखा है ये कोई अफवाह नहीं या आंखों का धोखा नहीं, बल्कि विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है, जिसने बिना ड्राइवर के भी बोलेरो को सड़क पर सरपट दौड़ा दिया। ये चमत्कार किसने किया और इस चमत्कार को करने के लिए कितना लंबा संघर्ष झेलना पड़ा, हम आपको इन सभी प्रश्नों के एक एक करके सिलसिलेवार उत्तर देंगे। ये चमत्कार मध्य प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल की सड़कों पर देखने को मिला है। आपने वीडियो में जो गाड़ी देखी वो एक फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है जो दिखने में बोलेरो जैसी है। इसमें बेहद खास बात यह है कि इस अनोखी गाड़ी को चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। इस गाड़ी का निर्माण भोपाल के रहने वाले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर संजीव शर्मा ने 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद किया है। इंजीनियर संजीव ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT रुड़की से की है। करीब 50,000 किलोमीटर तक इस गाड़ी को बिना ड्राइवर चलाकर संजीव ने इस गाड़ी का ट्रायल रन कंप्लीट करने में भी सफलता हासिल की है। इस गाड़ी को राजधानी के कोलार की सड़कों पर चलाया जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गाड़ी खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है। इस गाड़ी को चलाने के लिए बस आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है और फिर इसके बाद यह गाड़ी खुद ही अपना रास्ता तय करती है। अपनी आधुनिकता की वजह से आगे आने वाली गाड़ियों और इंसानों को पहले से ही देख कर गाड़ी अपना रास्ता बदल लेती है। फिलहाल अब इस गाड़ी का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। अब तक इस गाड़ी ने 50,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर लिया है। फिलहाल इस समय बोलेरो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रही है। कुछ लोग इस वीडियो को देखकर ऑटोमेटिक बोलेरो बनाने वालों की तारीफ कर रहे हैं, तो कोई इस वीडियो को देखकर कह रहा है कि इसके द्वारा लोगों के रोजगार पर संकट आ जाएगा। फिलहाल इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब विज्ञान ने ऐसे चमत्कार किए हैं जो वास्तव में हैरान करने वाले हैं। इसी के साथ देश समेत विदेश में भी ऐसी कई गाड़ियां हैं जो पहले से ज्यादा एडवांस हैं, यानी रिमोट दबाओ और गाड़ी चालू। तो वहीं इसी के साथ अब पेट्रोल और डीजल की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी आ गए हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को बिना फैलाते हुए व्यक्ति को यहां से वहां पहुंचाने में सफलता हासिल कर लेते हैं। आज भारत में एक नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कारों को लेकर जोरों शोरों के साथ काम कर रही हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरने के साथ ही लोगों को रोमांचित कर रहा है। इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं, और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।